हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक सेब के बीजों में कितना साइनाइड होता है और एक अदर पर्सन कितने बीज खा ले कि उसकी मौत हो जाए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि साइनाइड का टेस्ट कैसा होता है और कौन से साइनाइड होते हैं जो दवा में यूज़ होते हैं और कौन से साइनाइड होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मेडिकल मंत्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों को एक छोटी सी बात बताई जाती थी कि एक आदमी था जिसने मरने के लिए सोचा, तो उसने एक हाथ में कलम लिया था और एक हाथ में साइनाइड लिया था, और जैसे उसने साइनाइड खाई उसकी मौत हो गई। बस वो एक अक्षर लिख पाया था और वो सिर्फ एस अक्षर लिख पाया था। तो इसमें एक सस्पेंस बना हुआ है कि एस अक्षर का मतलब क्या होता है। एस की बात करें तो एस माने स्वीट भी होता है जो मीठा होता है, और श्योर भी होता है जो खट्टा होता है, और साल्ट जो होता है वो नमकीन होता है। तो लोग ये नहीं समझ पाए थे कि ये एस अक्षर किस लिए लिखा गया है। तो दोस्तों, आज इसी में बात करेंगे कि साइनाइड टेस्ट कैसा होता है। बात करें साइनाइड की तो साइनाइड एक अम्ब्रेला टर्म से बना हुआ है, और अम्ब्रेला का मतलब होता है साइनाइड उन पदार्थों का ग्रुप है जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन यानी सीएन बॉन्ड होते हैं। आपको पता होगा जिस तरह सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, उसी तरह सभी साइनाइड भी जहरीले नहीं होते हैं। सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और साइनोजन क्लोराइड, ये साइनाइड जो होते हैं वो सीएन बॉन्ड के होते हैं, और ये साइनाइड बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन नाइट्राइल नाम के ढेरों यौगिक साइनाइड होते हैं, फिर भी वो खतरनाक नहीं होते हैं, और बल्कि उनका यूज़ दवाइयों में भी किया जाता है। हाँ, अगर साइनाइड प्योर फॉर्म में लिया जाए तो कुछ सेकेंडों में ही व्यक्ति की मौत हो जाएगी, जिसमें कार्डियक अरेस्ट, कोमा और मिर्गी के दौड़े आने के सिम्टम्स दिख सकते हैं। लेकिन जो लोग बात करते हैं कि साइनाइड को जीभ में रखते ही मौत हो जाएगी, तो यो बेशक गलत है। अब बात करते हैं साइनाइड का टेस्ट कैसा होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, साइनाइड का टेस्ट कड़वा होता है, और जितने भी चीज़ों में साइनाइड पाया जाता है उनका भी टेस्ट कड़वा होता है। जैसे कि सेब के बीज, चेरी के बीज और आलू बुखारा के बीज भी कड़वे होते हैं। बात करें इसकी एविडेंस की तो ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़ पोर्टल संडे मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार 2006 में एक भारतीय ने सुसाइड करने के लिए साइनाइड खा लिया था, और उस व्यक्ति के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें वो कहता है कि मैंने साइनाइड का टेस्ट किया है और यह जीभ को जला देता है और इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।